कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटा कंप्यूटर एजुकेशन में। और जैसे कि आज आपको पता है कि आज छोटी दीपावली है, आप सभी को दीपावली की पूरे परिवार सहित एटा कंप्यूटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो और बड़ी से बड़ी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। एक वीडियोज़ इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं एक वीडियोज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है डी गेट फंक्शन। ये डी गेट फंक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है जो एच लुकअप और वी लुकअप दोनों को मात देता है। एच लुकअप और वी लुकअप में कुछ ऐसे कमियां हैं जो यूज़ नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। उसके बेस पे एक फॉर्मूला होता है एक्स लुकअप, लेकिन एक्स लुकअप थोड़ा अपडेटेड वर्जन के अंदर यूज होता है इसी के बेस पे। लेकिन डी गेट जो ऐसा है हमारा फॉर्मूला, उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी, जैसे 2007 एक्सल होता है, 2010 है, उसमें भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम ये डी गेट वाला फंक्शन लेके आए हैं। आप देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल एटेक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। चलते हैं, देखते हैं किस तरह से उस वीडियो को यूज़ करते हैं। जी हाँ, ये है हमारा सारा सीट का डेटा। अब हम इस डेटा पे यूज़ करके देखते हैं और डिजिट इस तरह से काम करता है। डी गेट बोलते हैं उसका। ठीक है, ये सारा का सारा जैसे कि आपने यूज़ तो किए हैं वी लुकअप भी और एच लुकअप भी, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटके है और काम बहुत जल्दी से ईजी से कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है वो हमारा कम समय में निपटा देता है। वी लुकअप में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप होगा कि वो रिवर्स में काम नहीं करता है, और एक दो चीज़ें हैं कि अगर हम उसके बीच में डेटा कोई आ जाए तो कई बार मिसिंग कर देता है, नेम वाला एरर दे जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे आइटम है और ये अमाउंट है। मैंने यहाँ पे इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और ये अमाउंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया माउस,